वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। फेस के ऊपर हम बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं, अब बात करते हैं थोड़ी बॉडी की, जहां हम हो जाती है हार्ड टैनिंग या कहें गंदी वाली टैनिंग, जैसे हमारा डार्क नेक, डार्क एल्बो, डार्क नी। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी अपेयरेंस को बिल्कुल ख़राब करने का काम करती है, बट हम इन सब चीज़ों को साइडलाइन करके रख देते हैं और वो हमारा एक परफेक्ट डिजास्टर का काम करते हैं। जब हम बाहर जाते हैं फेस बढ़िया ढंग से ग्लो कर रहा है, बट डार्क नेक सारी अपेयरेंस ख़राब करने का काम करती है। डार्क नेक को बहुत हद तक रिपेयर किया जा सकता है, बट पहले आपको कुछ रीजंस बताते हैं डार्क नेक आखिर हो क्यों जाती है। सबसे बड़ा रीजन सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर हमारी स्किन को तो डैमेज करता ही है, साथ साथ हमारे बॉडी पार्ट्स को भी डैमेज करता है। हमारे जो कुछ पैचेज हो जाते हैं, डार्क पैचेज हो जाते हैं, उनका बहुत बड़ा रीजन होता है सन एक्सपोजर। तो सनस्क्रीन लगाओ, वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। सेकेंड रीजन हाइजीन। आप सही ढंग से बॉडी वॉश नहीं करते, नहाते नहीं हो, उसकी वजह से भी हो जाती है टैनिंग हमारी नेक पे। थर्ड रीजन, आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी नेक को बेंड करके रखते हो, और जब आप उसको बेंड कर रखते हो वहाँ एक निशान सा बन जाता है और वो बहुत बुरा लगता है, और वहाँ पे फिर डार्क स्पॉट सा हो जाता है। इसके अलावा हेल्थ कंडीशन और भी बहुत से रीजन होते हैं, कोई चीज़ आपकी बॉडी में रिएक्ट कर गई। खैर रीजन कुछ भी हो, हम उसकी बात आज नहीं करने वाले। हम बात करने वाले आप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हो। सबसे बुरा पता है कब लगता है? आप बाहर निकले हुए फुल रेडी शेडी होके और आपकी डार्क नेक को देख के किसी ने कमेंट कर दिया, भाई आज नहा के नहीं आया क्या? वो पूरा कॉन्फिडेंस ब्रेक करने का काम कर देता है। खैर टेंशन मत लो, आपने सही वीडियो पे क्लिक करा है। आज हम आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेंगे और आपको बताएंगे कैसे आप ये हार्ड वाली टैन को एकदम गायब कर सकते हो। हम कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के बारे में भी थोड़ा बताने वाले हैं और साथ साथ होम रेमेडीज भी बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको बताते हैं हाउ टू रिमूव हार्ड टैन फ्रॉम बॉडी विद होम रेमेडी। हमारा जो आज का ट्रीटमेंट है वो टोटल दो स्टेप्स में रहने वाला है। स्टेप नंबर वन, एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब आप मसाज कर अपनी स्किन, अपने फेस, अपनी बॉडी से डेड स्किन को प्रॉपर्ली रिमूव कर देते हो। हमारी जो स्किन है, हमारी जो बॉडी है, वो रेगुलरली सेल्स को शेड करती है और वो हमारे पोर्स में इकट्ठा हो जाता है, जिससे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और हमारा फेस हो या बॉडी वो डल अपेयर शुरू होने लग जाता है। तो हमारे को चाहिए होती है मसाजिंग विद अ स्क्रब बीट। अब आप क्या कर सकते हो, जब बात नेक की होती है, नी की होती है, एल्बो की होती है, आपको एक बढ़िया वाला बॉडी वॉश लेना है जो कि हो स्क्रब के साथ, या आपका डेली एक्सफोलिएशन का काम करेगा। जितना भी डेड स्किन रोज होना है वो प्रॉपर्ली रिमूव हो जाएगा। बेस्ट बॉडी वॉश अगर आप जानना चाह रहे हो, आप ले सकते हो एम कैफीन का एक्सप्रेसो बॉडी वॉश। उसके अंदर बहुत बढ़िया कॉफी की अरोमा तो है ही, साथ साथ उसके अंदर स्क्रब बीट है जो प्रॉपर्ली टैनिंग और डेड स्किन को हटाने का काम करती है। खैर ये तो डेली एक्सफोलिएशन की बात हो, अब बात आती है हमारे मेन स्क्रब की, मेन बॉडी स्क्रब की। हम आपको वो घर पे रेडी कराने वाले, कुछ इंग्रेडिएंट्स की आपको उसके लिए जरूरत पड़ने वाली है। इंग्रेडिएंट नंबर वन, राइस फ्लोर, चावल का आटा। आपने लेना है 2 चम्मच चावल का आटा। पहले इसकी कुछ खूबियां बताते हैं। तो राइस फ्लोर होता है ना, वो प्रॉपर्ली डेड स्किन हटाने का काम करता है, टैनिंग हटाने का काम करता है, जेंटली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और एक बढ़िया वाला ग्लो ऐड करता है। इंग्रेडिएंट नंबर टू, कर्ड। कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड जो हमारे को बहुत सी लाइटनिंग प्रॉपर्टीज देता है और वो कमाल का हाइड्रेशन देता है। मेक श्योर करता है ग्लो तो आए बट हाइड्रेशन बिल्कुल ना जाए। इंग्रेडिएंट नंबर थ्री, लेमन। लेमन जो होता है वो बहुत हद तक स्किन लाइटनिंग में हेल्प करता है, वो एक नेचुरल ब्लीच का काम करता है। क्योंकि हार्ड टैन हो गई है इसलिए हमें लेमन डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीधा आगे बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपको चाहिए 2 चम्मच राइस फ्लोर, उसमें आपने ऐड करना है 2 चम्मच दही, एंड फाइनली आपने आधा लेमन कट करना है, उसको निचोड़ के उसमें डाल देना है। प्रॉपरली मिक्स कर लो, आपका होममेड बॉडी स्क्रब रेडी हो चुका है। इस स्क्रब को आप लोग आप क्वांटिटीज की बढ़ा सकते हो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप इसको प्रॉपरली अगर नेक पे कर रहे हो, अच्छी वाली क्वांटिटी लो, प्रॉपरली स्क्रबिंग करना शुरू कर दो। 5 से 10 मिनट के लिए आपने प्रॉपरली स्क्रब करना है, एंड देन आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए लीव ऑन करना है। जब आप लीव ऑन करोगे आपको हल्की सी टिंकलिंग सेंसेशन महसूस होगी, बट दैट इज़ वेरी नॉर्मल। इसका ये मतलब है वो जो स्क्रब है ना वो अपना बढ़िया वाला काम कर रहा है। जब 5 से 10 मिनट आपका टाइम पूरा हो जाए, आप एक वेट क्लॉथ लो और उसको प्रॉपर्ली वाइप ऑफ कर दो। आपको इंस्टेंटली ऐसा महसूस होगा जैसे टैनिंग मेरी कहीं गायब सी हो गई है। मैं ये नहीं कहता सेकेंड यूज़ में रिजल्ट दिखेगा, आपको फर्स्ट यूज़ में रिजल्ट दिखेगा। प्रॉपर्ली टैनिंग हट जाएगी और आपको एक बढ़िया वाला ग्लो नज़र आना शुरू हो जाएगा। जब हमारा एक्सफोलिएशन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, बारी आती है हमारे स्टेप नंबर 2 की, जो कि हमारा मैजिकल DIY बॉडी मास्क है। टेंशन मत लो, मैं कोई फेशियल नहीं करवा रहा आज कि आप कहो कि एक एक घंटा ले रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप जितना प्यार अपने फेस को देते हो, हमारी बॉडी भी तो अपनी ही है यार, थोड़ा प्यार तो वो भी डिजर्व करती है। खैर आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। ये जो मास्क है बहुत कम टाइम लेने वाला है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और रिजल्ट इतने बढ़िया देगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे। हमारा मेन स्टेप आज का ये मास्क ही है। जब आप स्क्रबिंग करते हो ना, आपको एक ग्लो तो नज़र आ जाता है बट वो बहुत टेम्परेरी होता है, बिकॉज तब हमारे पोर्स बिल्कुल ओपन अप हो जाते हैं। जो एक मास्क होता है ना, वो मेक श्योर करता है वो ग्लो लंबे समय तक रहे और आपके पोर्स प्रॉपरली टाइटन अप हो जाए, ताकि उसके अंदर डस्ट वगैरह बिल्कुल भी ना जाए। आगे बढ़ते हैं सीधा रेसिपी की तरफ।
आपको कुछ इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आपको चाहिए कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर जो होता है वो एक नेचुरल स्क्रब का काम करता है, हमारी बॉडी हो हमारा फेस हो उसको प्रॉपरली ब्राइटन अप करता है, और सबसे ज़रूरी बात एंटी एजिंग साइंस को बिल्कुल दूर रखता है। जैसे रिंकल्स हो गए, फाइन लाइंस हो गए, उनको इतना दूर रखेगा आपसे। अगर आप रेगुलरली कॉफ़ी अपने फेस पे लगाओ ना, रिंकल्स और फाइन लाइंस आपके बिल्कुल पास आने ही नहीं वाले। इंग्रेडिएंट नंबर टू, ऑरेंज पील पाउडर। ऑरेंज पील पाउडर का मतलब होता है जो ऑरेंज का छिलका होता है ना, उसको सुखाकर पाउडर बनाया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है। आप चाहो तो उसको घर पे भी रेडी कर सकते हो, हमसे ऑर्डर करना चाहो हमसे भी कर सकते हो, रेडीमेड ऑरेंज पील पाउडर हमारे पास मिल जाता है। आपको पहले कुछ इसकी खूबियां बताते हैं। ऑरेंज पील पाउडर के अंदर होता है वाइटामिन सी। वाइटामिन सी डलनेस हटाने का काम करता है और एक लाइटनिंग इफेक्ट देता है। आपको इंस्टेंटली महसूस होता है जैसे एक बढ़िया वाला ग्लो ऐड हो गया है, इसीलिए हमने ऑरेंज पील डाला, बिकॉज जब हार्ट टैन हुई है ना उसको हटाने के लिए वाइटामिन सी तो ज़रूरी है ही। इंग्रेडिएंट नंबर थ्री, मिल्क। मिल्क की हमारे को जरूरत इसलिए पड़ने वाली है बिकॉज हम उससे इसको डाइल्यूट करेंगे। हमारा मास्क पाउडर वाला है तो उसको डाइल्यूट करने के लिए लिक्विड की जरूरत पड़ने वाली है, और मिल्क से बढ़िया क्या हो सकता है। मिल्क एकदम स्किन लाइटनिंग का काम करता है और एक बढ़िया वाला ग्लो ऐड करता है। अब जब मास्क रेडी हो गया, हमारे को हाइड्रेशन तो चाहिए। हाइड्रेशन के लिए हमने ऐड करी है इसमें हनी। हनी बहुत बढ़िया हाइड्रो बूस्ट देने का काम करती है और उसके अंदर थोड़ी फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज होती है, वो टाइटनिंग इफेक्ट सा भी आपको देने का काम करती है। अब सीधा आगे बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपको चाहिए 2 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर, उसमें आपने ऐड करना है 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। इनको बढ़िया ढंग से मिक्स कर लो, देन आप उसमें ऐड कर लो 1 चम्मच हनी। आपको लगे आपका पैक बहुत ज़्यादा थिक हो रहा है, मिल्क की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अपने पैक को मेक श्योर करो इतना पतला भी ना हो कि टपकने लग जाए, और इतना थिक भी ना हो कि वो स्प्रेड ही ना हो। एंड देन जैसे आपने मिल्क डाला, एक पेस्ट आपका बढ़िया ढंग से रेडी हो चुका है। इसको आप प्रॉपरली अपनी नेक पे, नी पे, एल्बो पे, जहाँ भी आपको हार्ट टैन है इसको वहाँ लगा सकते हो। 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको लीव ऑन करना है। मसाज करके अप्लाई करोगे तो बेटर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जैसे आपको लगे आपका मास्क ड्राई होने वाला है, इसको प्रॉपर्ली सूख जाने के बाद एक वेट क्लॉथ लो और इसको प्रॉपर्ली वाइप ऑफ कर दो। अगर आप इसको मसाज करके हटाओगे तो और बेटर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपका जो अब ग्लो आएगा वो बिल्कुल फाइनल वाला ग्लो है। आपको क्लियर डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। एक बिफोर और आफ्टर की फोटो लेके रख लो। अगर डिफरेंस नहीं देखे ना, आप कमेंट जरूर करना, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट की। मैं गारंटी देता हूं कमेंट नहीं कर पाओगे, सिर्फ पॉजिटिव कमेंट ही आपके आने वाले हैं। स्टेप 2 जरूरी इसलिए भी था बिकॉज जब पोर्स ओपन हुए हैं उसको टाइटन अप करना हमारी ड्यूटी बनती है। सिर्फ अगर आप पोर्स ओपन कर दोगे ना, वो उतनी ही स्पीड में वापस डल अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। तो जब भी आप स्क्रबिंग करो, मेक श्योर करो उसके बाद ये वाला मास्क आपने जरूर लगाना ही है। अब जब आप पूरी रेमेडी जान चुके हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस का हम आंसर कर देते हैं जो आप कमेंट में पूछते हो। और कमेंट के लिए सो सॉरी, हम हर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाते, कोशिश पूरी रहती है, बट आप समझो क्रिएट भी करना है, स्क्रिप्ट भी लिखनी है, हर चीज़ में टाइम लगता है और साथ साथ आपके ऑर्डर्स भी देखने हैं। बट हमारी फिर भी कोशिश पूरी रहती है कि आपके एक एक कमेंट का हम रिप्लाई बिल्कुल करें। जैसे आप सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि कितना ऑफन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी टैनिंग बहुत ज़्यादा है और आपने अभी अभी स्टार्ट किया है तो आप इसको हर अल्टरनेट डे पे यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको लगे मेरी टैनिंग रिमूव होना शुरू हो गई है, तब आप 2 दिन का गैप करो और आप इसको फिर ला सकते हो हफ्ते में 2 बार तक। सेकंड क्वेश्चन, क्या मेन वेमेन दोनों यूज कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। क्या सही एज है इसको यूज करने की? जब आपको लगे कि मैं बड़ा, इनफैक्ट इतना मैच्योर हो चुका हूं, 16+ हो चुका हूं और मेरी आउटिंग बढ़ चुकी है, मेरी टैनिंग काफी हो चुकी है, तब आप इसको मास्क को यूज कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर एज वैसे नहीं है इस मास्क की, बिकॉज ये ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया मास्क है। कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड टू कॉस्मेटिक्स अगर आप ऑर्डर करने का प्लान कर रहे हैं, हम ऑल इंडिया डिलीवरी करते हैं। डिलीवरी की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिनकी आपको पता है गंदी वाली टैनिंग हुई भी तो है, बट वो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, और आपको थैंक यू कहते थके ही ना। तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा, गुड बाय।